निम्न से किसके द्वारा की गई थी? हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ, हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। इसकी स्थापना की थी 1932 में और इसके प्रथम अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। क्वेश्चन नंबर 2 है, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था। ऑप्शन डी 1933 में। महात्मा गांधी ने 1933 में साप्ताहिक हरिजन पत्रिका का आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में सरकार थी ऑप्शन ए लेबर पार्टी की। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था ऑप्शन ए क्लेमेंट एटली। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है ऑप्शन सी दादा भाई नेहरू जी को। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था ऑप्शन ए डब्ल्यू सी बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में और इसके पहले संस्थापक थे ए ओ ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारत राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक थे ऑप्शन डी ए ओ ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारत राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी ऑप्शन ए एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को 1917 में कोलकाता में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? यह की थी ऑप्शन बी बेलगाम अधिवेशन की। क्वेश्चन नंबर 10 है, रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? यह हुआ था ऑप्शन बी 1919 में। भारत में रोलेक्ट एक्ट मार्च 1919 को पारित हुआ था। इसे काला कानून भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किया था ऑप्शन सी चंपारण में। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सर 1917 में इस सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, चोरी चोरा कांड नामक घटना कब घटी थी? चोरी चोरा कांड नामक घटना घटी थी 1922 को। यह घटित हुई थी 4 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह कहा था ऑप्शन बी लोकमान्य गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है, भारत राष्ट्र कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की? भारत राष्ट्र कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की थी ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक की और इसकी स्थापना की थी 22 जून 1939 में। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत में एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था ऑप्शन सी 1917 में। नेक्स्ट है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? गदर पार्टी का मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को में ऑप्शन डी और इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1913 में और इसके संस्थापक व अध्यक्ष थे सरदार सोहन सिंह भागना। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस राष्ट्र नेता को लोकहितवादी कहा गया है? लोकहितवादी कहा गया है ऑप्शन ए गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख एक भारतीय विचारक समाज सुधारक और लेखक थे। इन्हें महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार आंदोलन का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना गया है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ऑप्शन बी 1942 में। 8 अगस्त 1942 को यह आरंभ किया गया। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। गांधी जी ने इसमें करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट है, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया था? 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को आरंभ किया था ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पुणे महाराष्ट्र में की थी।
इसका उद्देश्य नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना था। नेक्स्ट है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा भी इन्हीं ने दिया था। नेक्स्ट है, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? यह करना पड़ा था चोरी चोरा कांड के कारण, और यह हुआ था 4 फरवरी 1922 को। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी? किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी? यह हो गई थी कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में ऑप्शन ए। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। गरम दल तथा नरम दल के आपसी मतभेदों के कारण इस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? या की थी ऑप्शन ए जॉर्ज यूले ने। जॉर्ज यूल पहले गैर भारतीय थे जिन्होंने 1888 में इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? यह गाया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में ऑप्शन डी। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपने इन 25 क्वेश्चनों में से कितने ठीक किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।